नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नई गढ़ी थाना अंतर्गत बहुती प्रताप के पास माड़ो गांव में तीन लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मोटरसाइकिल की रफ्तार काफी तेज थी। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराई, एक की मौके पर हुई मौत, दो गंभीर, दोनों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल। मोटरसाइकिल में तीन सवारी अत्यधिक तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, मोटरसाइकिल चलाने वाले की हुई मौत, दो अन्य गंभीर। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। हम आपको बता दें, तीनों लोग बहुती प्रपात घूमने गए थे, लौटते समय हुआ हादसा। फिलहाल दोनों घायलों की हालत भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें रीवा रेफर कर दिया गया। नई गढ़ी थाना क्षेत्र के माड़ो गांव के पास घटी घटना। तीनों लोग भीर गांव के रहने वाले थे। बीते दिनों नई गढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती प्रपात के समीप माड़ो गांव में उस समय बड़ी घटना हो गई, जब तेज रफ्तार बाइक चालक की बाइक अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकराई, जहां बाइक चालक की मौत हो गई, वहीं दो अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हम आपको बता दें, भीर कुम्हाड़ा गांव निवासी ब्रजलाल साकेत, पिता गणेश साकेत, उम्र 35 वर्ष, मोटरसाइकिल से दो अन्य साथी गुलाब केवट, पिता भोला केवट, उम्र 40 वर्ष, एवं गोकुल साकेत, पिता रामाश्रय साकेत, उम्र 35 वर्ष, सभी निवासी कुम्हाड़ा, जो मऊगंज न्यायालय में पेशी करने जा रहे थे लौटते समय बहुती प्रपात घूमने के बाद। जैसे ही बहुती प्रपात के आगे माड़ो गांव विद्यालय के पास पहुंचे, तो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण बाइक चालक ब्रजलाल साकेत की मौत हो गई। तीनों लोगों को मऊगंज पेशी करने जाना था, लेकिन उन्होंने सोचा हम पहले बहुती घूमेंगे, उसके बाद हम पेशी करने जाएंगे। उसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं दो अन्य मोटरसाइकिल सवारों को गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी पर नई गढ़ी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर गंभीर घायलों को तत्काल ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक ब्रजलाल साकेत को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले शव कर दिया गया है। परिजन शव लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए हैं। हम आपको बता दें, इन दिनों बहुती प्रपात काफी चर्चाओं में है। आए दिन यहां पर किसी न किसी तरीके के मामले होते रहते हैं। पिछले दिनों इसी इलाके में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। अब आज यहीं पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का मामला सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल में तीन लोग सवार थे। तीनों जा रहे थे मऊगंज पेशी करने। उन्होंने सोचा हम पहले मऊगंज से निकल लौटने जाने के पहले हम बहुती में घूमेंगे, उसके बाद मऊगंज पेशी करने जाएंगे, लेकिन वो पेशी करने नहीं जा पाए। उसके पहले ही मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल हैं, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हमने नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। क्या है मामला? जी हाँ, अभी हमें जो है पब्लिक द्वारा जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम जो आपका भीर के लोग हैं, बहुत ही घूमने गए हुए थे। उस दौरान जो है ब्रजलाल साकेत, गोकुल साकेत और गुलाब साकेत तीनों लोग सवारी कर रहे थे। बहुत स्पीड में जो है स्पीड के कारण जो है एक पीपल के पेड़ से टकराने से, और उसी दौरान दुर्घटना से सिर में चोटें आई, और सिर में चोटें आने के कारण जो है एक व्यक्ति जो है ब्रजलाल साकेत, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई है, उन्हें रेफर कर दिया गया है। घायलों को रेफर कर दिया गया है और मृतक को जो है CSC नई गढ़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।